हर समय आप लोग ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू वाला जो शेर है मोदी उससे मुकाबला करना है, या सोनिया गांधी जी ये बोलती हुई सुनाई दे रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप मोदी को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मॉडल क्या है सर? कांग्रेस का मॉडल क्या है? क्या है वो चीज जिसके बलबूते पर वोटर सोचे कि बस हम कांग्रेस पार्टी पर वोट डाल देंगे तो हमारे लिए नैया पार हो जाएगी? अगर बीजेपी से कोई नाराज है तो राहुल गांधी भरोसा जगा पाएंगे या क्या? लोकतंत्र खतरे में या कांग्रेस पार्टी खतरे में सर? सीधा सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी 133 साल पुरानी पार्टी, एक विचार है, विचार को आप नहीं मार सकते। इनको लगता है 44 सीटें आ गई, तालियां बजाते हैं, बचपना दिखाते हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस ने ऐसे बचपने बहुत देखे हैं, ऐसे तालियां बजाते हुए बहुत झेले हैं। हमने अंग्रेजों से लोहा लिया, अरे जब गोरों को भगा दिया तो माफ कीजिएगा मैं आगे बोलना नहीं चाहता, तो इनको तो भगा ही देंगे हम। सोनिया गांधी को तो खुद लेके आए इटली से, फिर बोल रहे गोरों को भगा दिया, कमाल की बात है। वो हर बार सोनिया गांधी झुमरी तलैया की है, ये जो ऐसे बोलते हैं कि हमने गोरों को भगा दिया और हमारे ऊपर कि हम अंग्रेज हैं। आप देखिए अंजना जी, मैं अंग्रेज हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, आप नहीं, ध्यान से देखो, ये 2014 में चला गया नौटंकी, 2019 में नौटंकी नहीं चल पाएगी भाई। आप भाई लोग मत करो ऐसा। मैं सोनिया गांधी जी, आपकी एक और अपील खोल लूं, की जनता आप जो है ये तय करेगी। अंजना जी, आपको बोलो, एक और पोल खोलने वाला हूँ मैं। हाँ, पोल खोलते रहे, पोल खोलनी है, जरा इनको चुप करा दीजिए एक बार और। मैं अंग्रेज हूँ, आप देखिए इनको बता दो, हम कितने गोरे हैं, देखिए हम अंग्रेज हैं। सबसे बड़ी बात, 12 ये बताइए, 12 अप्रैल 2017 हमने ने जो जो ये कांग्रेस पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों को भगा रही थी। मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या सोनिया जी कौन से जिले से, सोनिया जी के परिवार कौन से जिले से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, ये मुझे आप दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। इस संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ये महेश शर्मा कहते हैं। अरे क्या हिंदुवाद, हिंदुवाद करते प्रमाण में अंग्रेज होने का दे रहे हैं? सीता का जन्म ही हाउ कैन आई बी अ ब्रिटिशर, हाउ कैन आई बी ब्रिटिशर? बोला 12 अप्रैल 2017 को बोला, ये सोनिया मंत्री ने बोला, हिंदी करने के लिए चार दिन रिहर्सल करना पड़ता है, शर्म इन लोगों को, शर्म नहीं आती कि मुझे अंग्रेज कह रहे हैं? सर आपका मॉडल पूछ रही थी मैं, पवन शर्मा आनी चाहिए। नहीं, मैं शर्माऊंगा, आपने मुझे अंग्रेज कह दिया, मैं शर्माऊंगा, मगर आपको शर्म आ रही है? 19 वर्षों तक आपने सोनिया जी को अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी का, और हमें अंग्रेज कहते हैं, जिन्हें सीता माँ की असलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। किसने कहा सीता माँ पे हमने प्रश्न चिन्ह लगाया? पवन खेड़ा जी की बात, छत में हिंदूवादी नहीं है तो क्या है? डर पर मैं आपका जवाब देना चाह रहा था, ये बीच में बहुत बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, एक मैं आप ही की बात कर रहा हूं, डर पर नहीं, डर पर बिठाया हुआ, उसी में कंडीशन कर रही हूं सर, उसी में कंडीशन कर रही हूं, सवाल आप ही से है। देखिए, डर पर बिठाया हुआ कोई भी व्यापार या कोई भी सियासत ज्यादा दिन नहीं चमकती है। डरा डरा कर कि मोदी से डरना है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, सब उठो। मैं तो ये पूछ रही हूं सर कि कांग्रेस का क्या मॉडल है, राहुल गांधी क्या मॉडल दे रहे हैं? मंदिर मंदिर जाकर वही त्रिपुंड लगाकर हिंदुत्व पर उसके खिलाफ कोई ना बोलकर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता राम मंदिर की बहस में ना शामिल होकर, आप कौन सा मॉडल दे रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं कि ये लीडर, हम लीडर बनने के काबिल हैं और हमारी ये स्ट्रेटजी होगी? कहां है वो? बिल्कुल असली, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम इनकी पोल खोल रहे हैं जो पहले 2014 से पहले कंफ्यूज थे कि हम हिंदू हृदय सम्राट बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों को बेवकूफ बना दिया, जिन्होंने इनको विकास पुरुष माना वो सर पर हाथ रखकर बैठे हैं, जिन्होंने इन्हें हिंदू हृदय सम्राट माना वो मंदिर भी ढूंढ रहे हैं, वो देख रहे हैं 370 हटा या नहीं हटा। तो इन्होंने सबको मूर्ख बनाया, हम इनकी असलियत लोगों के सामने ला रहे हैं। रही बात हमारी, कैसे? तो हमारे जो आदर्श है, हमारी जो मूल विचारधारा है, उससे हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। हम हैं असली, वो लोग जो सबका विकास के बारे में बात अच्छा, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के असली बने हैं, इनकी तरह नहीं कि खोखले नारे। और हम तो असली कहां है अंजना जी, मैं कहां असली हिंदू, मैं तो इटली से आया हूं, मैं कैसे असली हिंदू हो सकता हूं? इनके तरह के हमारा नेतृत्व नहीं है, हमारा नेतृत्व सजग है, हमारा नेतृत्व गरीब किसान की बात हमेशा करता है, सजग है, छोटे सजग है, लेकिन अलग थलग है, दर्द देकर ये जा रहे हैं चार नहीं, नहीं, सोनिया जी ने ही कहा कि गठबंधन जरूरी है, अलायंस जरूरी है, राहुल जी के नाम पर कोई आने को तैयार नहीं है, जनता को हम पर भरोसा है। बताइए राहुल जी सजग है, ऐसा ऐसा आप बताएंगे? अलग थलग है सर, उनके नाम पर, सोनिया जी के नाम पर कई लोग आते थे, फिर व्यक्ति पर खींच के ले आइए, पर आप क्यों परेशान होते? राहुल जी एक विचारधारा के विचारधारा स्वीकार करते हैं, विचारधारा को सब स्वीकार करते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इनको ठेंगा दिखा के चले आए, पूछिए इनसे क्यों? अरे इनकी अपनी देखते जाइए, पूछिए इनसे क्यों? नीतीश बाबू गुपचुप हमसे बात करते हैं, पूछिए इनसे क्यों? सब हमारे साथ आने को तैयार है, क्योंकि सब लेके तैयार।
सब आने को तैयार है तो क्यों नहीं ले रहे हैं? साइकिल से धड़ाम से गिरा दिया अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा साइकिल में? आपसे पूछ के नहीं लेंगे संबित पात्रा जी, नहीं कोई बात, डॉक्टर साहब आप अपनी डॉक्टरी वापस शुरू कर दीजिए, आपके दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अब आप फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अगर लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ हो। ठीक ठीक, अगर लाइसेंस अभी भी है तो मैं फिर आपको सलाह दूंगा, मेरे छोटे भाइयों में आपसे उम्र में बड़ा हूं, न्यूज़ फैलाने की कोशिश बेरोजगार मत रहिएगा, मैं आपको वादा करता हूं मैं आपके लिए किसी अस्पताल में नौकरी दूंगा। गुस्सा है तो आप यहां पर तथ्यों पे बात करिए, जिस तरह से आप सर्जरी करते हैं, फेक न्यूज़ को आप झूठ बना देते हैं, झूठ को सच बना देते हैं, भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे, शीला दीक्षित के समय जो आपने 5,000 करोड़ का गबन किया था वो अभी तो केस चल रहा है, 4 नहीं 10 पे आप भूल गए, जेल जाओगे तो क्या करोगे? मेरे पास तो जेल जाओगे आप, उसकी चिंता करो, चिंता मत करो सर, हमारी लाइसेंस का भी हो गया, डॉक्टर है तो टाइम पर आइए, मैं तो अभी भी जेल से बोल रहा हूं, बिल्कुल मत करो, मैं तो अभी जेल में बैठा हूं, और आवश्यकता होगी तो आप आओ, लेकिन आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ, मरीज को मार दिया आपने, मैं बोल थोड़ी सकता, लेकिन एक सवाल पूछा जाएगा, देखिए मेरे पास तो कागज है, बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है, वो कागज लाइसेंस कैंसिल हो गया, मरीज मार देते हो, ठीक नहीं है पवन जी, एक सेकंड, सॉरी सर।